स्नान वाटर टैंक लाए हैं, खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज एक्सप्रेस के खास खबरों पर। तेलंगाना की रच्चाकुंडा पुलिस ने बालापुर इलाके में एक जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा और रॉयल कॉलोनी के एक घर से बिहार की रहने वाली 17 साल लड़की को बचा लिया। छापे के दौरान दो ऑर्गेनाइजर रेहाना बेगम सैयद अबू बकर और एक कस्टमर मोहम्मद अशू को गिरफ्तार कर लिया। बालापुर पुलिस ने IPC पॉस्को एक्ट और PITA की कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। हैदराबाद के मूसा नगर चादरघाट इलाके में कल रात बारिश के दौरान एक मकान की दीवार गिर गई। इस वाकये में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। घर में रहने वाले करिश्माती तौर पर महफूज रहे। स्पेशल ऑपरेशन टीम और मीरपेट पुलिस ने गुर्रमगुड़ा के इलाके में धावा करते हुए 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 600 ग्राम गांजा, हशीश, ऑयल, एक्टिवा और 3 सेल फोन जब्त कर लिए। मुलजिमीन धूलपेट से गांजा खरीदकर पैकेट बनाकर 50 रुपए में एक पैकेट बेचा करते थे। उपल एक्साइज पुलिस ने गांजा बेचने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गोपी नामी ये शख्स कन्नूल का रहने वाला है और इसके कब्जे से 2 किलो 50 ग्राम गांजे को जब्त कर लिया। गोपी 10 से 20 किलो गांजा RTC बस में लाता और छोटे पैकेट्स बनाकर 100 से 200 रुपए में एक पैकेट कॉलेज के स्टूडेंट्स को बेचता था। तेलंगाना की साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक रूल्स के सिलसिले में आवाम में बेदारी के लिए एक और वीडियो जारी किया है। ट्विटर पर 3 मिनट 6 सेकंड की वीडियो पोस्ट की, जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, जिसमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयरनेस पैदा किया गया। तेलंगाना के जिले गदवेल के कुत्तापल्ली गांव में घर की दीवार गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। ये अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब घर वाले सो रहे थे। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। लाशों को मलबे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जिले गदवेल में मकान की दीवार गिरने के वाकये में एक ही खानदान के 5 अफराद की मौत के वाकये पर गहरा दुख का इजहार किया। उन्होंने रियासती वजीर निरंजन रेड्डी को फोन करते हुए इसकी वाकये तफसीलात हासिल की और मरने वालों के वारिसों पर हेड 5 लाख रुपए मुआवजा देने की हिदायत दी। निजामबाद के साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल से एक बुरखापोश खातून की जानिब से 2 दिन पहले किडनैप की गई 3 साला लड़की मिल गई है। ये वारदात CCTV में रिकॉर्ड हो गई थी। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के नरसी गांव की पुलिस ने इत्तला दी थी कि किडनैपर्स ने इस लड़की को यहां छोड़ दिया था। पुलिस ने लड़की को वहाँ से वापस निजामबाद ले आई। हैदराबाद के रविंद्रा भारती थिएटर में फूलों का त्यौहार बतकम्मा बड़े पैमाने पर मनाया गया। तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को उजागर करने वाले इस त्यौहार के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने असेंबली में चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से SC ST BC और माइनॉरिटीज के वेलफेयर के मामले में कांग्रेस के 10 साल दौरे हुकूमत और TRS के 7 साल दौरे हुकूमत का तकबुल करने को नामखुल और बेबुनियाद करार देते हुए रिजेक्ट कर दिया। तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा जिले के रायकमल मंडल के वीरापुर गांव के हुदूद में उस वक्त पेश आया जब ट्रैक्टर के ड्राइवर ने अपोजिट साइड से आने वाली RTC बस की टक्कर से बचने की कोशिश में इसका तवज्जुन खो दिया और ये ट्रैक्टर उलट गई। महकमे मौसमियत ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला नलकोंडा, विखाराबाद, महबूब नगर,
वन परती नगर कर्नूल नारायणपेट और गदवेल के बास मुकामात पर भारी बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में इसने कहा कि अगले 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बास अजले में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन।